शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद उठा रहे होंगे। प्यारे बच्चों, टोपी पाठ के पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि राजा की बात सुनकर मंत्री हाथ जोड़कर कहता है कि क्षमा करे राजन, क्यों इस छोटी सी चिड़िया को मारकर अपने हाथ गंदे करेंगे। यह अपने आप थोड़ी देर में चली जाएगी। लेखक कहानी के माध्यम से आगे कहता है कि राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि यह छोटी सी चिड़िया ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, की टोपी को मैं पैरों से ठोकर मारूंगा और इसे दिखाऊंगा कि राजा का अपमान करने पर क्या क्या हो सकता है। राजा का आदेश पाते ही एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी गिरा दी। दूसरा सिपाही तुरंत ही उस टोपी पर झपटा और टोपी राजा के सामने प्रस्तुत की गई। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था, टोपी की खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया, तबाचर चकित हो गया। मेरे राज में मेरी सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची, यह सोचते हुए राजा ने उसे उलट पुलट कर देखने लगा। रैया की टोपी देखकर राजा हैरान हो गया और राजा के मन में ख्याल आया कि इतनी सुंदर टोपी इस देश में आखिर कौन बना सकता है। राजा के कहने पर अब तो उस गुड़ी निर्माता की खोज होने लगी। ऐसा कभी हो सकता है कि राजा कुछ चाहे और उसे पता ना चले। दर्जी को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, दुहाई अन्नदाता, बादलों की तरह गुस्से में राजा ने दर्जी से कहा कि इतनी सुंदर टोपी उसने कभी राजा के लिए क्यों नहीं बनाई। दर्जी ने जवाब दिया, जो कपड़ा गौरैया लाई थी वह कपड़ा ही बहुत अच्छा तथा घना और मजबूत था। राजा नाग की तरह गुस्से से मानो जहर उगरने लगा और क्रोध से बोला, इतना अच्छा कपड़ा आखिर बुना किसने। गिरते पड़ते राजा के सामने बुनकर हाजिर किया गया। माफी बख्शे सरकार, माफी नहीं वजह बताओ। राजन, जो सूत या छोटी चिड़िया लाई थी वह सूत बहुत अच्छा ही था, एकदम पतला और रेशेदार। राजा ने गुस्से से शेर की तरह दहाड़ मारी और पूछा, इतना पतला और रेशेदार सूत आखिर किसने काटा, इतना पतला और रेशेदार सूत आखिर किसने काटा था। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, जान नहीं वजह बताओ, यह प्रश्न दोहराते हुए राजा ने कहा। तो बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। चलो देखते हैं कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। बहुविकल्पी प्रश्न, आपका पहला प्रश्न है, सिपाही ने गुलेल मारकर क्या किया। आपके विकल्प हैं, का गौरा की टोपी नीचे गिरा दी, खा गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी, गा राजा की टोपी नीचे गिरा दी, घा दूसरे सिपाहियों की टोपी नीचे गिरा दी। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है खा गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी। आपका अगला प्रश्न है, राजा किस कारण आश्चर्यचकित हो गया। आपके विकल्प हैं, का टोपी की खूबसूरती और कारीगरी देखकर, खा सिपाहियों की चालाकी देखकर, गा सिपाहियों की निशानेबाजी देखकर, घा दर्जी की सिलाई देखकर। तो बच्चों, आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है टोपी की खूबसूरती और कारीगरी देखकर।
राजा आश्चर्यचकित हो गया। आपका अगला प्रश्न है, दूसरे सिपाहियों ने टोपी को झपट कर क्या किया? आपके विकल्प हैं, का टोपी खुद पहन ली, खा टोपी बेच दी, गा टोपी राजा के सामने पेश कर दी, घा टोपी फेंक दी। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है गा, टोपी राजा के सामने पेश कर दी। आपका अगला प्रश्न है, राजा टोपी के साथ क्या करने वाला था? आपके विकल्प हैं, का राजा टोपी को बेचने वाला था, खा राजा टोपी को पहनने वाला था, गा राजा टोपी फेंकने वाला था, घा राजा टोपी को पैरों से मचलने वाला था। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है घा, राजा टोपी को पैरों से मचलने वाला था। आपका अगला प्रश्न, दंग रह जाना का अर्थ है? आपके विकल्प हैं, का खुश होना, खा आश्चर्यचकित होना, गा घबरा जाना, घा नाराज होना। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है खा आश्चर्यचकित होना। आपका अगला प्रश्न है, किसकी तरह गुस्से में राजा ने दर्जी से कहा? आपके विकल्प हैं, का नाग की तरह, खा शेर की दहाड़ की तरह, गा बादलों की तरह, घा उपर्युक्त सभी। तो बच्चों आपने सही अनुमान लगा लिया होगा कि आपका सही विकल्प क्या है। आपका सही विकल्प है गा बादलों की तरह। प्रश्न अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है, चारों कामगार राजा का काम कर रहे थे, उन चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम क्यों किया? आपका दूसरा प्रश्न है, राजा ने किस बात के लिए गौरैया की टोपी नौकरों से छीनने को कहा? धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं।